أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students कल हमने स्टार्ट किया था सेल उस सेल में हमने पढ़ा था कि सेल होती क्या है सेल बायोलॉजी क्या है उस सेल टोटिपोटेंसी हमने पढ़ी थी साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट्स पढ़ी थी तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी क्योंकि सेल थ्योरी की व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी फर्स्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स तमाम सेल्स जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फॉर्मड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स और जो सेल के प्रोडक्ट्स हैं उनसे बनते हैं सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से तमाम ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और दूसरा पॉइंट क्या था ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म हर सेल जो बनी है इट इज़ फॉर्मड ऑफ प्रोटोप्लाज्म इस प्रोटोप्लाज्म में अंदर न्यूक्लियस है इनसाइड में और एक्सटर्नल ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से न्यूक्लियस है और बाहर से क्या है बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विद और विदाउट सेल वॉल ऑन इट्स आउटसाइड बाहर सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है और तीसरा पॉइंट ऑल सेल्स आर अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी तमाम सेल्स क्या हैं दे आर अलाइक इन देयर केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी उनकी केमिस्ट्री पढ़ें उनकी फिजियोलॉजी पढ़ें उस हिसाब से वो तमाम अलाइक हैं फोर्थ पॉइंट जो इसमें बताया गया एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो भी एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की ये क्या है एक्चुअली इट इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स जो इसके सेल्स काम करेंगे जो वो एक्टिविटीज होंगे वही एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म में आएंगी तो दीज वर द फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी इसके बाद आगे इसको चेंज किया गया एक मॉडर्न वर्जन दिया गया उसको हम कहते हैं मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी व्हाट इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी मॉडर्न वर्जन सेल थ्योरी का क्या है यानी इसमें थोड़ा सा और एड हुआ इसको हम दूसरी बात भी कह सकते हैं इट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सेल थ्योरी डॉक्ट्राइन ऑफ सेल थ्योरी मॉडर्न वर्जन या हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेल थ्योरी शाबाश इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फर्स्ट वन बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स जो हमने पहले पढ़ा बॉडीज जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स की वो किससे बनी है सेल्स एंड देयर सेल प्रोडक्ट्स जो उनके प्रोडक्ट्स हैं शाबाश दूसरा पॉइंट सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स क्या है यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज में यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं ये सेल्स थर्ड पॉइंट एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म हर सेल किसकी बनी है प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में याद रखना है देयर इज न्यूक्लियस देयर आर ऑर्गेनेल्स देयर आर मेम्ब्रेन कवरिंग्स न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन कवरिंग्स किसमें है प्रोटोप्लाज्म में फोर्थ पॉइंट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स सम टोटल जो है ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स वही है एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म शाबाश फिफ्थ पॉइंट सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली सेल क्या कर सकती है इट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली अलबत्ता जो इसकी ऑर्गेनेल्स हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती हैं शाबाश सिक्स्थ पॉइंट मेटाबॉलिज्म ओकर्स इन द सेल्स मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है मेटाबॉलिज्म ओकर्स इन सेल्स ये सेल्स में ही होता है मेटाबॉलिज्म शाबाश नेक्स्ट पॉइंट सेवन्थ पॉइंट लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन सेल्स बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स लाइफ अगर मौजूद है इट ओनली एग्जिस्ट्स इन सेल्स ये सिर्फ सेल्स में मौजूद है क्योंकि तमाम जो एक्टिविटीज लाइफ की हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स दे आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स शाबाश नेक्स्ट एट्थ पॉइंट जो दिया इन्होंने ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ सेल्स शाबाश नाइन्थ पॉइंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है
It is stored in cells. It is expressed in cells. Cells में ही express होती है. Cells में ही ये store होती है कौन? Genetic information. Tenth point. शाबाश. Life passes from one generation to the next generation in the form of a living cell. Life एक generation से दूसरी generation में आती है. किसकी मदद से? With the help of a सेल, विद द हेल्प ऑफ ए लिविंग सेल. लिविंग सेल के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लाइफ ट्रांसफर होती है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नई सेल्स जो हैं, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो तब ही आएंगी जब वहाँ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगी. नई सेल्स कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. शाबाश. यानी हमने मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी या डॉक्ट्राइन ऑफ सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स पढ़े कि बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स. सेल्स आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हर एक सेल क्या है? एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनेल्स होंगी और मेम्ब्रेन कवरिंग्स होंगी. फिर एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल्स. सेल्स कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली बट इट्स ऑर्गेनेल्स कैन नॉट. Metabolism occurs only and only in cells. Life exists only in cells because all the activities of life are performed by the cells. Shabash. Is tarah growth of an organism involves growth and multiplication of its cells. Of cells. Shabash. Genetic information, it is stored in cells. It is expressed in cells. Life passes from one generation to next generation in the form of a living सेल. इसी तरह न्यू सेल्स जो है दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हो गई सेल थ्योरी. तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी? यानी सेल थ्योरी में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस? द सेल थ्योरी इट डज नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ये हम मानते हैं इट डज नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. There are certain organisms which do not have true cells. क्यों नहीं है application universal? कुछ organisms ऐसे हैं, they do not have true cells. इनमें true cells मौजूद नहीं है. एक true cell shares the following characteristics. अगर true cell होगी उसमें कौन कौन से characters होंगे? Number one, there is a set of genes. वहाँ क्या देखेंगे? There is a set of genes which constitutes blueprint of the regulating cellular activities. वो क्या बनाता है? Blueprint of the regulating cellular activities and making new cells. और वो नई cells बनाता है. यानी true cell में ये character होता है, a set of genes होता है which constitutes blueprint for regulating cellular activities and making new cells. दूसरी बात क्या है? A limiting plasma membrane that permits controlled exchange of matter and energy with the external world. शाबाश. क्या है वहाँ? A limiting plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिमिट दैट इज लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ये क्या करता है? दैट परमिट्स कंट्रोल्ड एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल वर्ल्ड. शाबाश. तीसरी जो लिमिटेशन थी, मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर ऑफ पार्ट्स. दिस वॉज द मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर ऑफ पार्ट्स. ये सब सेल में होना चाहिए. इट वॉज द थर्ड लिमिटेशन. शाबाश. वायरसेज, क्योंकि वायरसेज दे डू नॉट ईजिली फिट इन दीज पैरामीटर्स ऑफ द ट्रू सेल. ट्रू सेल में जो ये पैरामीटर तीन हमने पढ़े, इसमें वायरसेज ठीक तरह फिट नहीं होती हैं. क्योंकि दे लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस मेटाबॉलिक मशीनरी. उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है. दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द वायरसेस. लिहाजा ये कुछ लिमिटेशन रही. अदर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो विच डू नॉट फिट इन द सेल थ्योरी. मिसाल के तौर पर पैरामीशियम है. अच्छा, ये हमारे पास फंगस हैं, हमारे पास राइजोबस है, या एल्गा में एक मेम्बर है वचेरिया. वचेरिया एक अल्कल मेंबर है. ये सब के सब इस ट्रू सेल की थ्योरी में नहीं आते हैं, या ट्रू सेल्स इनमें नहीं है. लिहाजा हम कह सकते हैं ये जो हैं
क्योंकि ये जो चाहे पैरामिशम है, फंगस है, राइजोपस है, एल्गा वगैरह है, इन सब में दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। उनको एक ही न्यूक्लियस नहीं बल्कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस सब में मौजूद हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं सेल थ्योरी ऑल्सो हैज सम लिमिटेशंस और देयर आर सम थिंग्स विच वी हैव टू टेक विच हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो ये था सेल और सेल थ्योरी, ये था सेल थ्योरी और इसमें जो हमने मॉडर्न वर्जन भी पढ़ा सेल थ्योरी का। अब सेल्स की टाइप्स क्या हैं इंशाल्लाह ये हम कल दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।